अगर मैं चाहूं तो मुसलमान कौम की
लेकिन वो मंजर तेरी सोचों से इस कदर बढ़कर है कि शायद तू इस मंजर की ताब ना ले सके। अल्लामा इकबाल यहाँ पर बता रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं कि ऐ मुसलमान नौजवान, आज के नौजवानों, अगर मैं चाहूँ तो अपने अल्फाज में ही तेरे आबा अजदाद की बातों को, उनके असलाफ की विरासत को मैं चाहूँ तो अल्फाज में उसका नक्शा तुझे बता सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर तेरी सोच, तेरी तखय्युल जो है उसकी ताब नहीं ला सकती। जब मैं वो नज़ारा तुझे करवाऊँगा जो बहादुरी के जौहर उन्होंने दिखाए, जो जदोजहद और मुसलसल कोशिश उन्होंने की, जो अमले पहम के पैकर थे, अगर मैं उनकी बातों को, उनके असलाफ को, उनकी कामयाबियों को, उनकी बहादुरी के कारनामों को, उन तारीफों को अगर मैं चाहूँ तो अल्फाज में ही तेरे सामने बयान कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुरत और इतनी ताब नहीं है कि तू उस मंजर को देख सके। तेरे सामने अगर मैं वो मंजर अल्फाज में ही बयान कर दूँ तो तेरे अंदर फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है ऐ आज के नौजवान कि तू अपने आबा व अजदाद के उन कारनामों की नज़ारा कर सके, उन कारनामों को देख सके और उनसे कुछ हासिल कर सके। कुछ जोड़ते हुए मुसलमानों के नौजवानों को जो जोड़ते हुए कहते हैं कि ऐ मुसलमान नौजवान, तू अपने आबा व अजदाद को देख, उनकी तारीखों को पढ़, शायद तेरी सोच से भी बाला कर उनका मकाम था, उनकी बहादुरी के कारनामे, उनके जो असलाफ ने उन्हें विरासत दी थी उन्होंने उस पर अमल किया है, लेकिन तेरे आबा व अजदाद ने जो तुझे दिया है तूने उस पर अमल करना छोड़ दिया है। बकौले शायर है, महरूम तमाशा को फिर दीदा ए बीना ने देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दिया। अल्लामा इकबाल ही कह रहे हैं और जो फरमा रहे हैं कि महरूम तमाशा को फिर दीदा ए बीना ने, ये जो इस चीज से महरूम है, देखने से महरूम है, उनको देखने वाली बातनी आंख दे, और जो कुछ मैं देख रहा हूं ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, उनको भी दिखला दे, उनको भी दिखा, वही आंख दे जो बातनी आंख हो, और वो अपने आबा व अजदाद की जो उनके कारनामे थे, जो उनकी असलाफ की जो बातें थी उन पर उनको वो देख सके और उन पर अमल कर सके। जो कुछ मैं देख रहा हूँ अल्लाह के बाद फरमाते हैं वही मेरे कौम के, मेरे मुस्लिम नौजवान भी देख सके। अगला शेर है, शायर कहता है, तुझे आवाज से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती, तुझे आवाज से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा, साबित मायने है ठहरा हुआ, सियारा घूमने वाला, गर्दिश करने वाला। इसका मतलब होगा कि ऐ नौजवान मुसलमान, तुझे अपने बुजुर्गों से क्या नस्बत है, तू सिर्फ बातें करने वाला है, तू गुफ्तार, गुफ्तार का मतलब सिर्फ गुफ्तगु करने वाला, बातें करने वाला, और वो अमल करने वाले, फिर किरदार, किरदार का मतलब यहाँ पे अमल करने वाले, और तू आज एक ही मकाम पर रुका हुआ है जबकि तेरे आबा व अजदाद हरकत ले रहे हैं। इसलिए शायद अल्लामा इकबाल हरकत, अमल और जदोजहद का पैगाम दे रहे हैं कि ऐ नौजवान मुस्लिम, तुझे अपने आबाओ से कोई नस्बत नहीं है, तू उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं तेरा और अपने आबाओ, तेरे आबाओ अजदाद का मुवाजना करता हूँ तो आज के मुसलमान अपने आबाओ अजदाद से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कि तू अगर उनके इस्लाम पर अमल करता, तू उनकी बातों पर अमल करता, तू उनकी विरास जो उन्होंने जो कुछ किया था उस पर अमल करता तो आज तेरा मुकाम आसमान की बुलंदियों पर होता, लेकिन तू चूंकि तेरा अब अगले मिसरे में अलम इकबाल मुवाजना कर रहे हैं दोनों का कि आबाओ अजदाद किस तरह के थे और आज का मुसलमान नौजवान किस तरह है, तो उसमें वो बताते हैं कि तू गुफ्तार वो किरदार, कि तू सिर्फ बातें करता है लेकिन वो किरदार पर अमल करते थे, वो बातों पर अमल करने वाले थे और तू सिर्फ बातें करने वाला था। अगले इसी मिसरे में बताते हैं कि तू साबित वो सियारा, कि तू ठहरा हुआ है, तू रुका हुआ है, तू हरकत नहीं करता, हरकत तो अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, जबकि वो घूमने फिरने वाले, हरकत करने वाले थे। स्यारे का मतलब दूसरा स्यारा
चाहता है कि तेरी अपने आबाओ अजदाद से कोई निस्बत नहीं है, कि वो सरापाए किरदार थे और तुम सरापाए गुफ्तार हो, तुम सिर्फ बातें करने वाले हो। बकौल शायर है, तुम हो सराप गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बाकिनार। कि तुम आज एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हो, एक एक चीज़ एक कली के लिए तरस रहे हो, जबकि तेरे आबाओ अजदाद हरकत व अमल में रहते थे, जदोजहद करते थे, कोशिश करते थे, हिम्मत और हौसले से हर काम करते थे, जिसकी वजह से उनके पास गुलशनों के गुलिस्तान थे, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ एक कली भी मौजूद नहीं है, उसके लिए भी आज तुम तरसती हो, क्योंकि तुमने अपनी ज़ात से जदोजहद और कोशिश को निकाल दिया है, मेहनत को निकाल दिया है, हिम्मत को निकाल दिया है। अगला शेर है, शायर कहता है, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। इसका मफहूम होगा कि ए मुसलमान कौम ने अपने आबाओ अजदाद से विरसे में पाई जाने वाली खूबियां गंवा दी हैं। यही वजह है कि आसमान ने इन्हें अरूज की बुलंदियों से जवाल की पस्तियों में धकेल दिया है। कि मुसलमान कौम क्यों पस्ती की तरफ आए, इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की बातों को भुला दिया था, उनकी खूबियों को गंवा दिया था, जिसकी वजह से मुसलमान कौम अरूज की बुलंदियों पर थी, विरासत में जो उनके माँ बाप ने, उनके आबाओ अजदाद ने, उनके असलाफ ने जो चीज़ उनको दी थी, जो बातें उनको दी थी, जो मकसद उनको दिया था, उन्होंने उसको गंवा दिया है, उसको भुला दिया है, जिसकी वजह से आसमान की बुलंदियों पर रहने के बावजूद उन्हें आसमान ने ज़मीन की पस्तियों में धकेल दिया है। सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने वो रिवायात, वो मीरास, वो बातें जो उनके आबाओ अजदाद ने बताई थी, उनको भुला दिया है। उन्होंने अपने मज़हब इस्लाम और अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को भुला दिया है, उनके उस्वे की पैरवी करना छोड़ दी है, उन्होंने इस्लाम की बातों को छोड़ दिया है। अगर आज हम दूसरे मज़ाहिब को देखते हैं, दूसरे मज़हब पर नज़र दौड़ाएं, तो वो कुरान से इस्तफादा हासिल कर रहे हैं, इस्लाम के तौर तरीक़ों पर अमल करके, इस्लाम की बताई हुई बातों पर अमल करके, अपने हमारे नबी की बातों और फरमान पर चलकर वो लोग आज ज़माने में तरक्कियाँ और मंजिलें हासिल कर रहे हैं, अरूज हासिल कर रहे हैं, जबकि मिल्लत इस्लामिया पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो ज़वाल का शिकार है। सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद, अपने नबी, अपने खुदा और अपने कुरान को छोड़ दिया है, उनकी बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज मिल्लत इस्लामिया सवाल का शिकार है और दूसरी कौमें अरूज की बुलंदियों पर जा रही हैं। क्योंकि जब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और हरकतों अमल ना करें, तो कोई बुलंदी, कोई तरक्की, कोई चीज़ हासिल नहीं होती। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों में पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अपने आबाओ अजदाद की इस्लाफ के बारे में, अब मीरास के बारे में बता रहे हैं। बकौल शायर है, शायर कहता है, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, अजबर याद करना, उसका मायने है याद करना, यानी जो बात, जो हुक्म, जो मीरास, जो विरासत में उसके बाप ने जो कुछ दिया है बेटे को, अगर उसे वही याद ना हो, वो उस पर अमल नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है कि फिर पिसर काबिले मीरास पिदर क्यों करो। पिदर कहते हैं बाप को, पिसर कहते हैं बेटे को, कि फिर वो बेटा बाप की विरासत के लिए किसी काबिल नहीं है। वो किस तरह इस काबिल बन सकता है कि उसे विरासत में वो तमाम चीज़ें दी जाएं। इस चीज़ों से मुराद वो जायदाद नहीं है, बल्कि वो विरासती बातें हैं, वो मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश का पैगाम है, वो अपने मज़हब इस्लाम पर अमल करने का नाम है, अपने नबी के फरमान पर अमल करने का नाम है, वो अपने आबाओ अजदाद से मुराद वो बातें जो हमारा मज़हब हमें बताता है, जो हमारे आबाओ अजदाद हमारे पास छोड़ के गए हैं, जो मुसलमानों के अजीम कारनामे हैं, उन पर अमल अगर वो बेटा करता है, तो वही बेटा सही उस विरासत का हकदार है। उम्मीद है अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मफहूम के ये जो पॉइंट है, आप इनको
खुलासे के तौर पर लिख सकते हैं और हवाले के शेर तशरीह में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तशरीह में आप किसी भी कुरानी आयत को भी लिख सकते हैं जो इन अशार से, किसी भी नज़म से, किसी भी शेर से रिलेटेड हो। कोई हदीस लिख सकते हैं, कौल लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तशरीह जो है जितनी वजाहत से करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी इसी नज़म के तीन और अशार भी रहते हैं। ये नज़म 11 अशार पर मुश्तमिल है, तो अगले 3 अशार की तशरीह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।